नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक हम एनाटॉमी कवर करेंगे। एनाटॉमी के अंदर भी अपन बोन एंड जॉइंट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो पटना एम्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है 9 जनवरी 2022 को होएगा, जिसमें एनाटॉमी के लगभग 20 क्वेश्चन एनाटॉमी से पूछे जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन एनाटॉमी से पूछे जाएंगे, जिसमें हम टॉपिक वाइज एनाटॉमी कवर कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक अपन लेते हैं बोन एंड जॉइंट्स, जिसमें से एक या दो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं बोन एंड जॉइंट्स के बारे में। तो टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ बोन। ये बोन है, बोन के पार्ट दिए गए हुए हैं, जिसमें बोन को 3 भागों में बांट दिया गया है। एंड प्रोडक्ट है, एंड पार्ट है बोन का, जिसे बोलते हैं अपन एपिफाइसिस। साइड वाले जो एपिफाइसिस हेड पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन एपिफाइसिस, और जो बीच में होता है सॉफ्ट साफ्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन डाइफाइसिस। तो एपिफाइसिस और डाइफाइसिस दो पार्ट होते हैं। फिर इनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया, जैसे आर्टिकल कार्टिलेज दिया जाता है। फिर इसमें जो साफ्ट के अंदर बोन मैरो होती है, जहाँ अपने ब्लड का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन टॉपिक पे, फंक्शंस ऑफ बोन। बोन्स के क्या कार्य हैं? तो पहला पॉइंट दिया हुआ है, इट प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट ऑफ द बॉडी। ये अपने शरीर को शेप प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सेकंड ऑप्शन है, इट प्रोवाइड साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर टेंडन एंड मसल्स, विच आर असेंशियल फॉर लोकोमोशन। जो हड्डियाँ होती हैं वो एक तरीके की साइट हैं। अटैचमेंट ऑफ टेंडन, जो मसल्स और टेंडन होते हैं उनसे क्या होती है, अटैच होती है बोन, विच आर असेंशियल फॉर लोकोमोशन, जो कि अपन के चलने फिरने के में हेल्पफुल होती हैं। तीसरा ऑप्शन है, प्रोटेक्ट वाइटल्स ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो होती हैं ये अपने वाइटल ऑर्गन का भी कवर करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे रिब्स हुई, हार्ट, लंग्स, जैसे अंदर के जो भी वाइटल ऑर्गन हैं लगभग उनका क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। चौथा पॉइंट है, सर्व एज ए स्टोरेज साइट ऑफ मिनरल्स। जो बोन्स हैं वो एक तरीके का स्टोरेज साइट है, जैसे फॉस्फोरस हुआ, कैल्शियम हुआ, इन जैसे मिनरल्स का भी क्या है, स्टोरेज रखती हैं। ऑप्शन ये है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोवाइड द मीडियम द बोन मैरो फॉर द डेवलपमेंट एंड स्टोरेज ऑफ ब्लड सेल्स। जो बोन होती हैं वो एक तरीके का मीडियम है, इसमें क्या है, बोन मैरो पाई जाती है, जहाँ अपने को डेवलपमेंट एंड स्टोरेज ऑफ ब्लड सेल्स, जहाँ ब्लड सेल्स का डेवलपमेंट होता है एंड स्टोरेज होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, इसमें है इनऑर्गेनिक पार्ट। जो बोन के अंदर पाए जाते हैं वो कितना परसेंट मिनरल होता है बोन के अंदर, तो अपन देखते हैं, कैल्शियम है जो कि 25% होता है, फास्फोरस होता है 12% होता है, मैग्नीशियम 0.37% होता है, पोटेशियम 0.7% होता है, जिंक जो कि 0.009% होता है, और कॉपर जो कि 0.005% होता है। ये क्या है, बोन्स के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि अपन को, मैंने परसेंटेज के बारे में आपको बता दिया है कि कौन सा मिनरल कितने परसेंटेज होता है। नेक्स्ट टॉपिक अब पढ़ते हैं अपन, बोन्स जो अपने ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 206 मतलब कि 206 हड्डियाँ होती हैं, वो किस तरीके से अपन को कहाँ कहाँ कितनी होती हैं, नेम एंड कैलकुलेशन अपन करेंगे वन बाई वन। तो अपन क्या करते हैं, बोन का कैलकुलेट करने के लिए अपन हड्डियों को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो एक्जियल एंड अपेंडिकुलर डिवीजन। एक्जियल जो कि सेंट्रल की हड्डियां होती है उसको अपन एक्जियल में काउंट करते हैं, जो कि अपेंडिकुलर जो पेरिफेरल एरिया के अंदर होती है उसको अपन अपेंडिकुलर के अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो एक्जियल के अंदर आता है, एक तो स्कल आती है, एक वर्टिब्रल आती है, जो अपन की रीढ़ की हड्डी और स्कल्स जो एक्जियल हैं जो कि सेंट्रल में होते हैं वो क्या करती हैं, एक्जियल के अंदर काउंट होती हैं, और जो अपेंडिकुलर हैं जो कि हाथ और पैर की जो कि अपेंडिकुलर में कैलकुलेट होती हैं, तो अपन एक्जियल की होती हैं 80 बोन्स, 80 बोन होती हैं एक्जियल, और अपेंडिकुलर होती हैं 126 बोन, जो टोटल होती हैं 206। तो
तो अपन वन बाय वन करके पढ़ेंगे। ये एक्जियल के अंदर आता है, स्कल आता है, वर्टिब्रल आती है, और जो अपनी रिब्स एंड स्टर्नम ये भी एक्जियल के अंदर आती है, ऑडिटरी ओसिकल्स भी अपन एक्जियल के अंदर आती है, और तथा हाइंड बोन भी एक्जियल जो कि सेंट्रल में होती है इनके अंदर आती हैं। अपेंडिकुलर के अंदर आती हैं, अपर लिम आता है और लोअर लिम आता है। तो अपर लिम के अंदर होती हैं 64 बोन्स होती हैं जो कि पेक्टोरल, गर्डल, आर्म्स एंड लेग्स, और लोअर के अंदर होती हैं 62 जो कि पेल्विक, गर्डल, लेग्स एंड फीट्स कैलकुलेट होते हैं। तो अपन वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्कल्स के बारे में। तो स्कल्स के अंदर टोटल 22 बोन होती हैं, सिफेलिक रीजन जिसे अपन सिफेलिक रीजन भी बोलते हैं। तो इसको भी अपन एक तो फेसियल के अंदर डिवीजन करते हैं और क्रेनियल के अंदर। जो क्रेनियल होता है जो कि ब्रेन को कवर करता है उसको बोलते हैं अपन क्रेनियम। तो क्रेनियल के अंदर 8 बोन्स होती हैं जो कि होती हैं फ्रंटल 1 होती है, ऑक्सीपिटल 1 होती है, एथिमोइड 1 होती है, स्पिनोइड 2 होती है, स्पिनोइड 1 होती है, पेराइटल 2 होती है, और टेम्पोरल भी 2 होती है। सो टोटल मिला के 8 बोन्स हो जाती हैं क्रेनियम की। फिर आता है फेसियल की। तो फेसियल की 14 बोन्स होती हैं, तो 14 और 8 टोटल मिला के 22 बोन्स हो जाती हैं। तो फेसियल के अंदर आती हैं वोमर, मैंडिबुलर, मैगजिलर 2, जाइगोमेटिक 2, नेजल 2, नेजल कॉन्चा 2, लैक्रिमल 2 और पैलेंटाइन भी 2 होती हैं। तो इस मिलाकर के स्कल्स के अंदर 22 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं स्कल्स। स्कल्स के बाद में अपन पढ़ेंगे फिर अपन, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि आपको बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है वर्टिब्रल कॉलुमन। वर्टिब्रा के अंदर 26 बोन्स होती हैं, 7 होती हैं सर्वाइकल, थोरेक्सिक 12 होती हैं, लंबर होती हैं 5, सेक्रम एंड कॉकस 1-1 होता है। वीडियो के एंड में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन किए जाएंगे जिसमें आपको गेस कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हो रहे हैं। तो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे, रिब्स एंड स्टर्नम। रिब्स एंड स्टर्नम के अंदर 25 बोन्स होती हैं जो कि 12 जोड़ी तो रिब्स होती हैं और 1 स्टर्नम होती है। नेक्स्ट ये देखिए आपके अंदर केज, जो कि अपना केज होता है उसका डायग्राम दिया हुआ है। 2 रिब्स होती हैं जो कि होती हैं 6 बोन्स, फिर फाल्स होती हैं, फिर उसके बाद फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। इसके अंदर स्टर्नम के भी पार्ट डिवाइडेड किए हैं, मेन्यूरम, बॉडी और जिफर्ड प्रोसेस। नेक्स्ट ऑडिटरी ओसिकल्स एंड हायर बोन्स, जो ईयर की बोन्स हैं वो 6 होती हैं दोनों में मिला के, जिसमें मेलियस 2, इनकस 2 और एस्टिपीज 2, दोनों कानों को मिला के 6 होती हैं, तथा एक हायर बोन होती है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं अपन अपेंडिकुलर जो कि पेरिफेरल होते हैं अपर लिम्स और लोअर लिम्स के अंदर। तो अपर लिम्स के अंदर होते हैं 64, 64 बोन्स होती है। पेक्टोरल गर्ड है जो कि स्कीपुला 2 होते हैं, क्लेविकल भी 2 होती हैं, तथा आर्म्स के अंदर अपन बात करते हैं तो आर्म्स एंड हैंड के अंदर हुमरस 2 होती हैं, अल्ना 2 होती हैं, रेडियस 2 होती हैं, कार्पल 16 होती हैं, तथा मेटाकार्पल्स 10 होती हैं, तथा फ्लैंजेस 28 होती हैं। ये तो हो गई अपर लिम्स के बारे में। लोअर लिम्स के बारे में आते हैं, 62 बोन्स, पेल्विक गर्डर हो गया 2, लेग्स के अंदर फीमर 2, पटेला 2, टीबिया 2, फिबुला 2, टार्सल्स 14, मेटाटार्सल 10 एंड फ्लेजेंस 28। तो टोटल दोनों पैरों की हो गई 62। तो अपेंडिकुलर हुई 26 बोन्स। तो इस तरह से मिला के आपके 206 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं जॉइंट्स के बारे में। तो जॉइंट्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन। इट इज साइट एट विच एनी टू और मोर बोन्स आर्टिकुलेट इट्स कॉल्ड जॉइंट्स। जो जॉइंट्स होता है दो या दो से अधिक बोन्स मिल करके एक दूसरे से आर्टिकुलेट होती हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, जॉइंट्स। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा वीडियो के एंड में आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन किए जाएंगे। अब आता है क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो जॉइंट्स को 3 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट है फाइब्रस और फिक्स्ड जॉइंट, दूसरा है कार्टिलेजियस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स,
और तीसरा आता है साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। थ्री टाइप्स में बांटा गया है जॉइंट्स को। नेक्स्ट जिसमें अपन फर्स्ट पढ़ते हैं इमोबाइल जॉइंट्स, फाइब्रस जॉइंट्स और फिक्स जॉइंट्स को ही अपन इमूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। दीज जॉइंट्स आर हेल्ड टूगेदर बाई टफ टिश्यू विच डेवलप ड्यूरिंग चाइल्डहुड। एग्जाम्पल के अंदर क्रेनियम, क्रेनियम की जो हड्डियाँ होती हैं वो एक तरीके से फाइब्रस फिक्स इमोबाइल जॉइंट्स होते हैं जो कभी भी मूवेबल नहीं होते हैं। दूसरा होता है कार्टिलेजियस जो कि स्लाइटली मूवेबल होते हैं, जैसे मूवमेंट इज नीडेड बट ओनली टू ए सर्टेन पॉइंट्स। द वर्टिब्रल कॉलमन सिम्फाइसिस प्यूबिस के अंदर क्या होता है, स्लाइटली मूवेबल होती हैं। थर्ड होता है साइनोवियल और फ्रीवी मूवेबल जॉइंट्स, ये क्या है, फ्री फ्रॉम होती हैं। दीज जॉइंट्स आर अलाउ मूवेबल टू टेक प्लेस, ये क्या है, मूवमेंट को अलाउ करती हैं। अब बढ़ते हैं अपन साइनोवियल को थोड़ा डिस्क्राइब में पढ़ते हैं। तो साइनोवियल जॉइंट क्या होता है, फ्रीवी मूवेबल होते हैं। जॉइंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सिक्स ग्रुप्स, सिक्स ग्रुप्स में अपन इसको डिवाइडेड करते हैं जो कि टाइप्स हैं। फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, दूसरा है हिंज जॉइंट्स, तीसरा है पाइवट जॉइंट्स, चौथा है ग्लीडिंग जॉइंट्स, पाँचवा है सैडल जॉइंट्स, छठा है कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स। तो अपन इनको वन बाई वन करके पढ़ेंगे। फर्स्ट जॉइंट आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, इट अलाउ द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट। ये क्या करता है, ग्रेटेस्ट सबसे अधिक मूवमेंट प्रोवाइड करता है। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स हेड ऑफ बोन इज टू फिट इनटू सॉकेट ऑफ अनदर बोन। ये क्या होता है, एक बोन का हेड होता है, दूसरे बोन का सॉकेट होता है, तो इसलिए अपन इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। हेल्ड टूगेदर बाई लिगामेंट एंड टेंडन्स के द्वारा जुड़ा रहता है। एग्जाम्पल शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल शोल्डर जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हुआ, ये एक तरीके के बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है। नेक्स्ट आता है हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट आता है, इट अलाउ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन विथ ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रोटेशन। ये क्या करता है, सिर्फ दो मूवमेंट करवाता है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। एग्जाम्पल के तौर पे अपन एल्बो, नी, एंकल, फिंगर्स एंड टोस के बारे में देख सकते हैं, ये सिर्फ एक तरीके का ही मूवमेंट करवाते हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, दिस इज कॉल्ड हिंज जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है पाइवट जॉइंट, इट अलाउ ओनली रोटेशन। ये जॉइंट क्या होता है, रोटेशन प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के अंदर प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, जो अपन की रेडियस एंड अल्ना जॉइंट होती है उसको क्या बोलते हैं, पाइवट जॉइंट्स। और एटलस और एक्सिस जो जॉइंट होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा का, वो भी एक तरीके का पाइवट जॉइंट्स है। नेक्स्ट चौथा आता है ग्लीडिंग जॉइंट, इन दिस जॉइंट द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन इट लुक्स फ्लैट एंड मूव्स ऑन द अनदर बोन इन स्लिपिंग मूवमेंट। ये क्या करता है, एक बोन के ऊपर दूसरी बोन स्लिप हो जाती है, इस तरीके के जॉइंट को अपन बोलते हैं ग्लीडिंग जॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पर अपन लेते हैं स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नम और क्लेविकुलर बोन के अंदर जो जॉइंट होता है उसको अपन ग्लीडिंग जॉइंट के नाम से भी जान सकते हैं। जॉइंट्स बिटवीन कार्पल एंड टार्सल्स बोन्स के अंदर भी क्या होता है, ग्लीडिंग जॉइंट्स होता है। नेक्स्ट सैडल जॉइंट, पांचवा आता है सैडल जॉइंट्स, द सैडल जॉइंट्स अलाउ द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड राइट और लेफ्ट, दैट इज कॉल्ड रिस्ट जॉइंट इज कॉल्ड सैडल जॉइंट, जो कि फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड राइट एंड लेफ्ट प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं सैडल जॉइंट। नेक्स्ट जॉइंट कॉन्डिलॉइड जॉइंट, दिस इज अलाउ फॉर मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, जो कि सभी डायरेक्शन में क्या करता है, प्रोवाइड करता है, हाउएवर फुल रोटेशन, इसको बोलते हैं कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स। एग्जाम्पल के अंदर रिस्ट जॉइंट, मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट, मेटाटार्सल फेलेंजियल जॉइंट इज कॉल्ड कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स। अब अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था
कि वीडियो के एंड में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन किए जाएंगे बोन एंड जॉइंट्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है एंड पार्ट ऑफ बोन्स कॉल्ड, जो हड्डी का एंड पार्ट होता है जिस जो आर्टिकुलेट होते हैं अदर बोन्स से, उसे अपन क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है एपिफाइसिस, ऑप्शन बी है डाइफाइसिस, ऑप्शन सी है शाफ्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। गेस योर आंसर। तो राइट आंसर है इसमें एपिफाइसिस। एपिफाइसिस इज ए राइट आंसर। एंड पार्ट ऑफ बोन्स कॉल्ड एपिफाइसिस, और जो बीच वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं अपन डाइफाइसिस, जो कि शाफ्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, बोन फॉर्मिंग सेल्स कॉल्ड, हड्डी बनाने वाली सेल्स को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ऑस्टियोसाइट्स, ऑप्शन बी ऑस्टियोब्लास्ट, ऑप्शन सी ऑस्टियोक्लास्ट, ऑप्शन डी ऑस्टियोक्लास्ट। तो ऑस्टियोब्लास्ट इज ए बोन फॉर्मिंग सेल्स, सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्टियोब्लास्ट इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमरस हैव जॉइंट बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स, स्टर्नम एंड रिब्स के बीच में कौन सा जॉइंट होता है। ऑप्शन वन ग्लीडिंग जॉइंट, ऑप्शन बी एंगुलर जॉइंट, ऑप्शन सी कार्टिलेजिनियस जॉइंट, ऑप्शन डी फाइब्रस जॉइंट। स्टर्नम तथा रिब्स के बीच में कौन सा जॉइंट होता है। तो राइट आंसर है कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, द जॉइंट इन आवर एल्बो इज ए एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट और ग्लीडिंग जॉइंट। एल्बो जॉइंट है जो किस का एग्जाम्पल है। जी हाँ, राइट आंसर इज ए हिंज जॉइंट, एल्बो जॉइंट इज ए हिंज जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट डज नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, ऐसा कौन सा जॉइंट है जो बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउ नहीं करता। ऑप्शन वन साइनोबियल जॉइंट, ऑप्शन बी फाइब्रस जॉइंट, ऑप्शन सी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन डी कार्टिलेजिनियस जॉइंट। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी फाइब्रस जॉइंट इज राइट आंसर। फाइब्रस जॉइंट इज राइट आंसर, जो मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करवाता। एग्जांपल के तौर पर स्कल बोन, जो क्रेनियम की बोन होती है वो फाइब्रस जॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेट्स, जो ग्लिनोइड कैविटी होती है वो क्या जॉइंट बनाती है, किस किस बोन से जॉइंट बनाती है। ऑप्शन ए क्लेविकल विथ एक्रोमियन, एक्रोमियन और क्लेविकल के बीच। ऑप्शन बी क्लेविकल विथ स्केपुला, ऑप्शन सी स्केपुला विथ एक्रोमियन, ऑप्शन डी ह्यूमरस विथ स्केपुला। जो ग्लिनोइड कैविटी होती है वो स्केपुला की होती है तथा उसमें ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट होती है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ह्यूमरस विथ स्केपुला इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस बोन, एटलस और एक्सिस बोन के अंदर कौन सा जॉइंट होता है। सैडल जॉइंट, एंगुलर जॉइंट, पाइवट जॉइंट और डी ऑप्शन है कार्टिलेजिनियस जॉइंट, एटलस और एक्सिस बोन के बीच में। जी हाँ, राइट आंसर इज पाइवट जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, द टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन स्कल बोन इज फाइब्रस जॉइंट, ऑप्शन बी कार्टिलेजिनियस जॉइंट, ऑप्शन सी साइनोबियल जॉइंट, ऑप्शन डी हिंज जॉइंट। स्कल जॉइंट इज ए फाइब्रस जॉइंट, राइट आंसर फाइब्रस, फाइब्रस जॉइंट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, रिब्स एंड स्टर्नम आर कनेक्टेड बाई, ऑप्शन ए आर्ल्यूअर टिश्यू, ऑप्शन बी हाइलेन कार्टिलेज,
ऑप्शन सी वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, ऑप्शन डी बोनी मैटर, रिब्स एंड स्टर्नम किससे कनेक्टेड होते हैं? हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। राइट आंसर इज हाइलिन कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, द जॉइंट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, द जॉइंट बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर कौन सा जॉइंट होता है? ऑप्शन वन लीडिंग जॉइंट, ऑप्शन बी सैडल जॉइंट, ऑप्शन सी पाइवट जॉइंट, ऑप्शन डी हिंज जॉइंट। जी हाँ, राइट आंसर इज पाइवट जॉइंट। जी हाँ, राइट आंसर इज ए पाइवट जॉइंट। तो दोस्तों, आपको कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताएं, तथा आपके जो क्वेश्चन हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने बताए हैं, वो आपको कैसे लगे? अगर आपको वीडियो का दूसरा पार्ट और ऐसी ही वीडियो आपको चाहिए, तो कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी, अगला ही वीडियो आपको डालें या नहीं। थैंक यू।